हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका रॉयल एस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां आपके सामने है आज 21 दिसंबर 2021 का द हिंदू का एडिशन। चेन्नई एडिशन है ये। चेन्नई एडिशन मैंने जानबूझकर दिया है आपको। कुछ चीज़ें आपको नई सीखने को मिलेगी जो दिल्ली और मुंबई के एडिशन में नहीं है। तो एक्चुअली मैं तीनों एडिशन को एनालाइज करके फिर जिसमें आपके कंपटीशन के लिए क्वेश्चन जहाँ से बनने की उम्मीद है, मैं उस एडिशन को लेकर आता हूँ। आप देख पा रहे होंगे स्वरिया राय को बुलाया गया है ईडी में, और हमने हेडिंग डाला था ऐश्वर्या जी से पूछा जा रहा है ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने पूछा है कि आप करोड़पति कैसे बनी। एक्चुअली वो अरबपति हैं, करोड़पति तो छोटा टर्म है उनके लिए, बट उनके ससुर साहब जो करोड़पति करोड़पति करके खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति, अब उनकी बहू से अगर कोई पूछे कि आप कैसे करोड़पति बने, तो ऑब्वियस सी बात है इंटरेस्टिंग चीज है। एक्चुअली ऐश्वर्या राय का कनेक्शन पनामा पेपर से है। आपको याद होगा 2016 में पनामा पेपर लीक हुआ था। पनामा पेपर में सेलिब्रिटीज, इंडियन लीडर्स, इनफैक्ट वर्ल्ड लेवल के लीडर्स और भी बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम आया था जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से ब्लैक मनी को फॉरेन में जमा किया हुआ है, हवाना जैसे कंट्री में। सो उसी सिलसिले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कल ऐश्वर्या राय को पूरे 6 घंटे ईडी ऑफिस में बिठा करके पूछताछ किया। बेहद शर्मनाक है उनके लिए। अमिताभ बच्चन बहुत बड़ी हस्ती माने जाते हैं, बहुत एथिकल बातें करते हैं, लेकिन अगर उनकी बहू का नाम उसमें आया है तो बात तो सही कही जाती है कि धुआं तभी उठेगा जब आग हो। एनीवे, दूसरा पॉलिटिकल न्यूज जो अपने पास है वो है कि लोकसभा ने पास कर दिया है बिल जो इलेक्ट्रल रोल को लिंक करेगा आधार के साथ। इलेक्ट्रल रोल्स जिसमें उन लोगों के नाम होते हैं जिन्हें वोटिंग राइट है। वोटिंग राइट एक लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है ये। और आर्टिकल 325 ये क्लियरिफाई करता है कि वोटर लिस्ट बनाने में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सपोज कीजिए कि कोई पर्सन मिनिस्टर है और कोई पर्सन लेबर है, वोटर लिस्ट में मिनिस्टर साहब के नाम के आगे मिनिस्टर नहीं लिखा जाएगा। नेम, सेक्स, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब के बिहाफ पर किसी के साथ भी वोटर लिस्ट में ना तो इंक्लूजन होगा ना ही एक्सक्लूजन होगा, ऐसा आर्टिकल 325 कहता है। 324 इलेक्शन कमीशन की बात करता है। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करता है। ये नहीं कहता है कि वहां पे एक मेंबर होंगे कि तीन मेंबर होंगे। ये टाइम टू टाइम अमेंडमेंट ला करके गवर्नमेंट चेंज करते रहती है। टीएन सेशन के बाद लगभग हमेशा से ये रहा है कि ये एक 3 मेंबर कमीशन है जिसमें एक चेयरमैन होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहलाते हैं वो, और 2 मेंबर होते हैं। सो अपने पास ये जो 2 आर्टिकल है 324, 325 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये यूपीएससी में पूछे जाने वाले प्री के क्वेश्चंस और मेंस में अगर पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो वहां आप मेंशन कर सकते हैं इस चीज को। फिलहाल मैं वापस लौटता हूं कि आधार को गवर्नमेंट का लिंक करने के पीछे मोटिव क्या है। एक्चुअली गवर्नमेंट का कहना है कि ये प्रोसेस प्यूरिफाई कर देगा वोटर लिस्ट को, यानी वैसे वोटर, वैसे पर्सन जो बोगस वोटिंग करते हैं, 2-3 वोटर आईडी कार्ड बना रखा है, उनको बाहर निकाल सकेगा, इलिमिनेट कर सकेगा वोटर लिस्ट से। एक आदमी एक ही वोट दे सकेगा इंडिया के किसी भी कॉर्नर से, बहुत अच्छी चीज है। बट आइए साथ साथ सुन लेते हैं कि एक इंग्लिश कम इंडियन मैन शशि थरूर क्या कहना चाहते हैं। ये अक्सर अपने एसेज और राइटिंग्स के लिए जाने जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इनका कहना है कि आधार इज नॉट ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। इनसे पहले यूपीएससी ऑलरेडी कह चुकी है। यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था प्री में जिसमें यही लाइन एग्जैक्टली मेंशन था कि आधार इज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, इज इट ट्रू और फॉल्स। ये 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन थे। एक्चुअली आधार सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। आधार आया था वेलफेयर प्रोग्राम से लिंक्ड करने के लिए, सही इंसान की पहचान करने के लिए जिसको गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम की जरूरत है। तो इन्होंने कोई नई बात नहीं कही है।
नई बात इन्होंने ये बताई है कि चूंकि आधार सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है तो जो नॉन सिटीजन होंगे उन्हें भी वोटिंग राइट मिल जाएगा। अब ये तो यही समझा पाएंगे कि ये कहना क्या चाहते हैं। अरे भाई, जब बोगस लिस्ट को हटाने के लिए गवर्नमेंट आधार से लिंक कर रही है तो आप उसको घुमा करके क्यों बोल रहे हैं कि नॉन सिटीजन को कैसे मिल जाएगा, नॉन सिटीजन के पास वोटर आईडी कार्ड कहां से आ जाएगा। सो ये फालतू की बातें हैं, इनका काम अपोजिशन कराया गया है बस चीजों को हॉल्ट करना। चाहे कुछ भी हो, आप मैरिज अमेंडमेंट बिल को भी ले सकते हैं जिसमें गवर्नमेंट ने कहा कि 21 साल कर देते हैं गर्ल्स का एज, ताकि उन्हें टाइम मिलेगा कानूनी तरीके से, वो इम्पावर्ड होगी, लीगल इम्पावरमेंट होगा उनको कि वो पढ़ाई कर सके, अपने कैरियर को बना सके। इन लोग का कहना है कि नहीं, अगर गर्ल्स 18 ईयर में ही बालिग हो जा रही है, एडल्ट हो जा रही है, तो उसकी शादी कर देना जरूरी है। अरे शादी कर देना जरूरी, लेकिन उससे पहले कैरियर भी तो जरूरी है। ऑब्वियस ही बात है, गवर्नमेंट की अच्छी सोच है, बट जाने देते हैं इसे। नेक्स्ट है सेबी हॉल्ट्स फ्यूचर ट्रेडिंग इन की क्रॉप्स। ये की क्रॉप्स क्या होते हैं? की क्रॉप्स वो क्रॉप्स हैं जो हमारे मेन डाइट का पार्ट हैं, जैसे पैडी हो गया, वीट हो गया, पल्स हो गया, ये की क्रॉप्स में आते हैं। इनका ट्रेडिंग, इनका जो स्टॉक शेयर में ट्रेडिंग होता है वो सेबी रेगुलेट करती थी, फिलहाल सेबी ने उस पर हॉल्ट कर दिया है, रोक लगा दिया है। ये सेबी है क्या? सेबी का मतलब है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज का मतलब होता है जिस तरीके से आप शेयर बाजार में कंपनी की शेयर लगाते हैं, वैसे ही कुछ कॉमोडिटीज, कुछ जो लिस्ट, कुछ जो कॉमोडिटीज हैं, जैसे कि आपके पास पल्स है, आपके पास वीट है, इनके प्राइसेस की लिस्टिंग होती है, फिर इनके सिक्योरिटी को ट्रेड किया जाता है। आपसे क्वेश्चन बहुत डिटेल में नहीं पूछा जाता सेबी से, आपको इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का पेपर देने जा रहे हैं तो अलग बात है, अदरवाइज यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस। सेबी का एस्टेब्लिशमेंट और सेबी का फंक्शन, इन दोनों से आज तक आगे नहीं बढ़ा है और नहीं आगे बढ़ेगा। तो सेबी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1992 में और इसका काम है सिक्योरिटी एक्सचेंज को रेगुलेट करना। 1992 में सेबी को बनाया गया एक्ट ला करके, कई जगह आपको 88 दिख जाएगा, एक्चुअली 88 में एक्ट लाया गया था, सेबी बना है 1992 में। सेबी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन हैं, आपको एक बार गो थ्रू जरूर होना चाहिए। फिलहाल मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं। अप्रैल 12, 1992 को सेबी को एस्टेब्लिश किया गया, एज पर द एक्ट एक लाया गया था सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992, 88 में पहले आ चुका था बट इसे बनने में अगले 4 साल लग गए। इसका प्रियम्बल कहता है, सेबी का प्रियम्बल कहता है कि जो बेसिक फंक्शन है, बेसिक फंक्शन सेबी का है वो है प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट को इन्वेस्टर्स के, और प्रमोट करना डेवलपमेंट को, रेगुलेट करना सिक्योरिटीज मार्केट को। ठीक है, मैं एक बार रिपीट करता हूं, आप अगर प्रियम्बल पढ़ेंगे सेबी का, जो मैं बोल रहा हूं उसे भी आप नोट कर सकते हैं, फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी सर्च करने की। सेबी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मैं देता हूं, और इकोनॉमी में, इकोनॉमिक्स नहीं, इकोनॉमी पे का जो प्री का क्वेश्चन होगा उसके लिए सेबी एक हॉट टॉपिक हमेशा से रहा है। तो सेबी का जो बेसिक फंक्शन है वो है इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना, डेवलपमेंट को प्रमोट करना, सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करना, ये सारे सेबी के फंक्शंस हैं। एक और चीज, मान लो कि सेबी ने किसी पे फाइन लगाया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने किसी पे फाइन लगाया किसी कंपनी पर जो गलत तरीके से सिक्योरिटी एक्सचेंज कर रही थी, तो वो कहां जा सकता है? तो वो सैट में जा सकता है, यानी सेबी का जो सौतेलापन है वो है सैट के साथ। सैट क्या है? सैट का मतलब है सिक्योरिटीज एपिलिटेट ट्रिब्यूनल। अपने कंट्री में क्या है, दो तरह के सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, एक जो आप पर फाइन लगाएगा और दूसरा जहां आप उस फाइन के अगेंस्ट जा सकते हैं। जैसे सेबी ने मान लीजिए आप एक रेगुलर, आप एक फाइनेंस, ये सिक्योरिटी मार्केट में आप इन्वेस्टर हैं और आप पर सेबी ने फाइन लगा दिया कि योर प्रैक्टिस वाज अनफेयर, तो आप कहां जाएंगे? आप सेबी के इस ऑर्डर के अगेंस्ट सैट में जाएंगे। सैट का मतलब है सिक्योरिटी एपिलिटेट ट्रिब्यूनल। मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूं,
सपोज करो सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसने अभी, आपको याद होगा कुछ दिन पहले का ही न्यूज आर्टिकल था, अमेजन पे 200 करोड़ का फाइन लगाया। तो अमेजन के पास क्या ऑप्शन है, क्या वो पे कर देगा? बिल्कुल नहीं पे करेगा। वो कहां जाएगा? वो एनक्लैट के पास जाएगा, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। ये कहने का मतलब है कि अगर एक रेगुलेटर एजेंसी है हमारे कंट्री में, तो एक ट्रिब्यूनल भी है जहां आप उस रेगुलेटर के अगेंस्ट अपील कर सकते हैं, और ये दोनों इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। इंडिया श्रीलंका फिशर स्टॉक में रेज्यूम, कल के आर्टिकल में आपको बताया गया था, कल डे बिफोर यस्टरडे वाले में, कल से एक दिन पहले वाले में, कि जो फिशरमैन है इंडिया के, उनको कुछ को श्रीलंका वाले उठा ले गए। उनका कहना था कि ये हमारे वाटर में फिशिंग कर रहे हैं। ये बहुत ही पुराना मसला है जो तमिलनाडु के लोकल पॉलिटिक्स को काफी हद तक रेगुलेट करता है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। हाईकोर्ट कम्स टू द रेस्क्यू ऑफ डिफरेंटली एबल्ड वुमेन एथलीट्स। ये डिफरेंटली एबल्ड वुमेन एथलीट्स एक एक्ट है हमारे कंट्री में, जिसका नाम है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। इस एक्ट में एक स्पेशली इनेबल्ड, जिन्हें कि आज भी कुछ लोग डिसेबल कहते हैं, इनके लिए स्पेशल प्रोविजन है। कुछ मैं ऐसी बातें बताता हूं आपको जो आपके एग्जाम व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसे नेग्लेक्ट करने का डेयर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उस क्वेश्चन को छोड़ करके आएंगे 110%। तो नोट किया जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिफरेंटली एबल्ड या स्पेशली इनएबल्ड या डिसएबल्ड, इस कैटेगरी में गवर्नमेंट ने 2016 में एक पॉइंट डाला था कि जो थैलीसीमिया से ग्रसित पेशेंट हैं, वो भी स्पेशली इनएबल्ड या डिसएबल्ड माने जाएंगे। थैलीसीमिया, थैलीसीमिया जो कि ब्लड से रेगुलेटेड, ब्लड से रिलेटेड एक बीमारी है, थैलीसीमिया पेशेंट एक डिसएबल्ड पर्सन माना जाएगा, और उसको वो सारे राइट अवेलेबल होंगे जो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में दिया गया है। इस एक्ट को हम लोग RPDA एक्ट कह सकते हैं, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। एक्चुअली 2016 में अमेंडमेंट लाया गया है, ओरिजिनल एक्ट यह है 2006 का। तो अब आपसे 2016 ही पूछा जाएगा। कोई भी एक्ट हमेशा अपने लेटेस्ट अमेंडमेंट के नाम से जाना जाता है इन जनरल। सो एक और नई बात बताता हूं आपको, वो आपके लिए नहीं होगा, खास करके आप अगर फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट दे रहे होंगे। एक्चुअली ये जो 2016 में एक्ट लाया गया, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, ये गवर्नमेंट ने यूनाइटेड नेशन का एक कन्वेंशन था, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, उसे रेटिफाई किया था 2007 में। 2007 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूनाइटेड नेशन का एक कन्वेंशन रेटिफाई किया। रेटिफाई का मतलब होता है कि उस कंट्री पे, उस गवर्नमेंट पे ऑब्लिगेशन होगा कि वो एक एक्ट लेकर के आए डोमेस्टिक लेवल पर। तो यूएन का एक कन्वेंशन था, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, उसे रेटिफाई किया गया 2007 में, और फिर गवर्नमेंट को 9 साल लग गए डोमेस्टिक एक्ट लाने में, कंट्री में ये एक्ट लाने में। इस एक्ट में थैलीसीमिया को भी डिसेबिलिटी का एक कैटेगरी माना जाता है, जो कि थोड़ा सा लिंक से हट करके है, बहुत कम लोग सोच पाएंगे ये चीजें। आज का न्यूज आर्टिकल हाई कोर्ट के एक ह्यूमनिस्टिक नेचर को दिखाता है। मद्रास हाई कोर्ट का कुछ ऑर्डर आया है, सेंटर और स्टेट दोनों को। मद्रास हाई कोर्ट ने सेंटर और स्टेट को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। टोटल 12 डायरेक्शन दिए गए हैं उनको, 12 डायरेक्शन दिए गए हैं डिसेबल पर्सन के वेलफेयर से रिलेटेड। ये एक्चुअली एक वुमेन थी, एथलीट है, वो डिफरेंटली एबल्ड है, उसके पेटीशन पे दिया गया था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि किसके पेटीशन पे दिया गया है, इंपॉर्टेंट ये है कि क्या प्रोविजन है हमारे कंट्री में। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। ये चेन्नई एडिशन है, आपको इसमें दिल्ली का न्यूज नहीं दिखेगा,
मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, चेन्नई एडिशन लेने के पीछे मेरा मकसद था। ये देखिए आप, यहाँ पे आप देख सकते हैं चेन्नई में कुछ वर्कर्स जो हैं एमएसएमई वाले, वो धरना प्रदर्शन पे बैठ गए हैं। उनका कहना है कि कॉपर का कॉस्ट बढ़ गया है तो प्राइस डबल किया जाए इससे बनने वाले मटेरियल का। अपना फोकस एमएसएमई पर है। एमएसएमई एक एक्ट भी हमारे कंट्री में है जो 2006 में लाया गया था, और अभी इसमें लेटेस्ट एक अमेंडमेंट किया गया था जिसके तहत इसका जो कैटेगरी है, कैटेगराइजेशन है एमएसएमई का, कि कितने से कितने रुपीज तक इनका टर्नओवर होगा, कितने इन्वेस्टमेंट होगा, ये सब बताया गया था। एमएसएमई का मतलब है जनरली माइक्रो, एमएसएमई का मतलब है स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेज, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। ये जो फर्स्ट एम है ये कहलाता है माइक्रो के लिए, माफ कीजिएगा बीच में थोड़ा गड़बड़ हो गया था, एस कहलाता है स्मॉल के लिए और ये एम कहलाता है मीडियम के लिए। ये तीन टाइप के इंडस्ट्री इंटरप्राइजेज हमारे कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं एज पर द गवर्नमेंट। एम फॉर माइक्रो, एस फॉर स्मॉल एंड लास्ट एम फॉर मीडियम, ई फॉर इंटरप्राइज। एमएसएमई का एस्टेब्लिशमेंट ऑफिशियली 2006 में एक एक्ट ला करके किया गया। एमएसएमई को कैटेगराइज किया गया कि कौन माइक्रो कहलाएगा, कौन स्मॉल कहलाएगा, कौन मीडियम कहलाएगा। इसका क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। कुछ चीजें चेंज की गई है हाल के अमेंडमेंट में, जैसे अब जो इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट को ओनली प्लांट और मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट होगा उसे टर्नओवर में काउंट किया जाएगा, आपका एक्सपोर्ट कितना है उसे टर्नओवर में काउंट नहीं किया जाएगा। पॉइंट्स को आप नोट करें, जो आपका टर्नओवर है, मान लीजिए आप किसी एंटरप्राइज के मालिक हैं तो आपका जो टर्नओवर है साल का, आप उसे भी अगर इन्वेस्टमेंट में डालेंगे तो वो काउंट नहीं किया जाएगा उसमें। इन्वेस्टमेंट का मतलब होगा ओनली प्लांट एंड मशीनरी, ये इन्वेस्टमेंट का मीनिंग होगा। अच्छा, इसके बिहाफ पे गवर्नमेंट ने जो कैटेगरी बनाया है वो कैटेगरी कुछ इस तरीके से है कि माइक्रो के लिए यानी सबसे पहले वाले के लिए 1 करोड़, स्मॉल के लिए 10 करोड़ और मीडियम के लिए 20 करोड़। ये नया क्राइटेरिया है इनके इन्वेस्टमेंट का, 1, 10, 20। दिस इज द न्यू डेफिनेशन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, यही वो इंटरप्राइज हैं जो छोटे छोटे काम धंधे करने के लिए लोगों को रोजगार देते हैं। एमएसएमई अभी कंट्री में 2.5 लाख से ऊपर है ऑफिशियली, और नॉन ऑफिशियली तो आप करोड़ में भी पहुंच जाएंगे। एनीवे, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज को इंडियन फाइनेंशियल और इकोनॉमिक सर्विस का एक तरीके से बैकबोन माना जाता है। अकेले ये 50% से ऊपर का कारोबार केवल एमएसएमई का है। 90% से एवं एम्प्लॉयमेंट एमएसएमई प्रोवाइड करवाता है। कहने का मतलब है कि एमएसएमई एक एवरग्रीन टॉपिक है यूपीएससी के लिए, आप इसे एक बार गो थ्रू जरूर हो लें, एक बार नोट्स जरूर बना लें। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। केरला में टेंशन चल रहा है, पॉलिटिकल मर्डर वगैरह हो रहे हैं, बट अपने काम का नहीं है वो। एंटी कन्वर्जन विल गेट्स कर्नाटका कैबिनेट्स नॉट। एंटी कन्वर्जन विल पहले भी आ चुका है एमपी में और यूपी में, कर्नाटका गवर्नमेंट ने भी पास किया है जिसमें ये प्रोविजन दिया गया है कि जो मिनिमम इंप्रिजमेंट होगा वो 3 साल से कम का नहीं होगा, नॉट लेस देन 3 ईयर, जो कि 10 साल तक भी हो सकता है। ये एंटी कन्वर्जन का मतलब है कि अगर एक पर्टिकुलर रिलीजन वाले किसी दूसरे रिलीजन के लोगों को फोर्सली या लोभ दे करके किसी चीज का बेनिफिट दिखा करके अगर उनको कन्वर्ट करते हैं तो वो इसके अंदर लायबल होंगे, उनको 3 साल की मिनिमम सजा होगी। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को। एडिटोरियल में आज आया है अमिट वैक्सीन बूस्टर टॉक कंटेक्स्ट मैटर्स ए लॉट। जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है वो मेनली ये कहना चाहते हैं कि जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, इसके अगेंस्ट बूस्टर डोज पॉलिसी
कितना इंपॉर्टेंट है या कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसके लिए हमें सर्वे की जरूरत है, एविडेंस चाहिए, डाटा चाहिए। कुछ नई बात इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रेटजी बता रहे हैं, ये सर्वे की बात की जा रही है। पहले के भी आर्टिकल में आप यही देखे थे, सर्वे करके एक रिजल्ट जो पहले का है, जो भी बूस्टर वगैरह लगाया गया है उसका क्या रिजल्ट है, उसके बिहाब पे ओमिक्रॉन को डील करना है, ऐसा इनका कहना है। फॉर अफगान वुमेन इट्स द ग्रेट रिग्रेशन। अफगानिस्तान में वुमेन तो आप छोड़ दें, वहां पे मेन की जो हालात है उसके बारे में भी कोई बात करने को तैयार नहीं है, फिर भी इनका आर्टिकल आज आया है, आप चाहें तो पढ़ लें, वुमेन की हालत कहना ही क्या, वो भी अफगानिस्तान में। स्ट्रेटजिक वर्ल्ड वार, द हिंदू का खुद का जो एडिटोरियल है इनके एडिटर साहब का, उसमें इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को हाल के वर्षों में जो एक गेम थ्योरी चल रहा है वर्ल्ड लेवल पे, ग्रेट गेम जिसे हम बोलते हैं, है ना, वर्ल्ड लेवल पर यूएसए किसे सपोर्ट कर रहा है, चाइना किसे सपोर्ट कर रहा है, इंडिया चाइना के कितने अगेंस्ट जा सकता है, यूएसए को किस नजदीक तक यूएसए के जा सकता है, ये सारी चीजें ग्रेट गेम का पार्ट है। कोई खुलकर के किसी को नहीं बता रहा कि वो चाहता क्या है। सो दिस एडिटोरियल इज ऑल अबाउट दिस। आपका पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शनल है तो इस आर्टिकल को जरूर पढ़ें। मेंस के लिए कुछ लाइनें काम आएंगी, जैसे यहाँ पे एक अभी आर्टिकल आया है, इसमें एक टर्म यूज किया गया है, अजीत डोवाल साहब जो एनएसए हैं इंडिया के, इन्होंने रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग लॉन्च किया है अभी सीएआर के साथ। ये सीएआर सेंट्रल एशियन रीजन के कंट्रीज हैं, ये पांच जो कंट्री हैं जो इस बार 26 जनवरी को हमारे ये गेस्ट होंगे, फाइव सेंट्रल एशियन रिपब्लिकन्स, है ना, अफगानिस्तान के ऊपर आप और चाइना के नीचे ये जो आते हैं, इनको इन्वाइट किया गया है। तो एक बार गो थ्रू हो लें आपके पास टाइम हो तो, अदरवाइज प्री के लिए कोई बहुत जरूरी नहीं है। क्वार्टर ऑफ होप, ये आपके काम का कोई आर्टिकल नहीं है, बैडमिंटन से कोई क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछती है, टाइम वेस्ट वाली बात है ये। नेक्स्ट पेज में ओपेड में सस्टेन्ड अटैक ऑन फेडरलिज्म, नाम से ही लग गया होगा आपको कि फेडरलिज्म की खामियां बताएंगे ये, फेडरलिज्म के फीचर बताएंगे और फिर गवर्नमेंट के प्रोग्राम को रखेंगे ये, जो भी इसके राइटर हैं, कि गवर्नमेंट क्या क्या ला रही है। जैसे इन्होंने एक टर्म डाला है कि FRBM, फाइनेंशियल रिसोर्स एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, FRBM एक्ट जो है वो गवर्नमेंट ने हाइक करने का निर्णय लिया है 3-5% करने का, इसे ये अगेंस्ट बता रहे हैं, कम करते तो भी अगेंस्ट बताते, है ना। कहने का मतलब है कि ठीक है, नॉलेज है तो आप चीजों पे लिख दें, लेकिन कुछ भी नहीं लिख दें आप, अगर आपके पास प्रॉब्लम है तो आप सॉल्यूशन भी बताएं कि फिर गवर्नमेंट क्या करे, उतना ही रहने दे उसे। बहुत सारी चीजें इसमें हैं, आप चाहें तो एक बार गो थ्रू बोलें, टर्म्स आपको याद हो जाएगा बस, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको पेपर में लिखना चाहिए, एवरीथिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इज ऑलवेज रॉन्ग। व्हाट राइजिंग इनइक्वालिटी मींस, सोशल डेवलपमेंट का एक अच्छा इशू है, एक बार गो थ्रू ले, मेंस में काम आएगा आपके। यूके में ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, और कल जर्मनी ने ये यूके को रेड लिस्ट में डाल दिया था, वहां से आने वाले लोगों का आना जाना मना कर दिया है अब जर्मनी में। एक आर्टिकल आया है रोवर वाइल्ड एग, ये वाइल्ड एग कोई फ्रेज यूज नहीं हुआ है, मिड डे मील में कर्नाटका गवर्नमेंट का डिसीजन है कि क्लास 1 से 8 तक अब हम एक दिया करेंगे। मिड डे मील एक एवरग्रीन टॉपिक है, मिड डे मील जनरली ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च किया गया था 1995 में पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के द्वारा। नरसिम्हा राव साहब ने मिड डे मील एक्ट लाया था, जिसके तहत प्राइमरी स्कूल में दोपहर का भोजन मिड डे मुफ्त दिया जाता था बच्चों को, आज भी दिया जाता है। देखते हैं अगले आर्टिकल को। ऐश्वर्या राय, जो सबसे पहला आर्टिकल है आज की हमारी, अपीयर्स बिफोर ईडी, आप यहां देख सकती हैं मास्क और काला चश्मा लगा करके। ईडी ने इनको पनामा पेपर से रिलेटेड जो इनका नाम आया था उसमें बुलाया है। फाइनेंस मिनिस्टर ने एक अच्छा स्टेटमेंट दिया है कि 13,000 करोड़ रिकवर किया गया है फ्यूजिटिव से। ये फ्यूजिटिव वो होते हैं जो ऑफेंडर होते हैं, ऑफेंडर ये फाइनेंशियल ऑफेंडर होते हैं, लोन लिया चुकाया नहीं,
या कंपनी बना करके शेयर मार्केट में घोटाला किया, ये सारे ऑफेंडर हैं। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। गवर्नमेंट का कहना है कि जो ओमिक्रॉन पे हम रिपोर्ट देंगे, एक सप्ताह का टाइम लगेगा अभी, फिर वैक्सीन कितना इफेक्टिव है इसके अगेंस्ट वो क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स वेट, ओमिक्रॉन क्या करेगा और वैक्सीन हमारा कितना इफेक्टिव है। सुप्रीम कोर्ट टू अ स्टडी प्ली अगेंस्ट मेंटेनेंस फॉर पेरेंट। मैंने कई बार डिस्कस किया है, एक पेरेंट मेंटेनेंस एक्ट है 2007 में लाया गया था इसे, जिसमें ये प्रोविजन है कि अगर कोई लड़का, लड़का इन द सेंस बेटा या बेटी, पोता पोती मतलब सन डॉटर ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर या कोई भी ऐसा पर्सन जो एक सीनियर सिटीजन का देखरेख का जिम्मा लेता है और उसके बिहाफ पे उनके प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करता है और फिर उनकी देखरेख करना बंद कर देता है, तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। पहले तो उससे वो धन वापस ले लिया जाएगा और फिर उसे जेल में डाल दिया जाएगा। ये 2007 में एक पेरेंट मेंटेनेंस एक्ट या सीनियर सिटीजन एक्ट लाकर किया गया है। अच्छा, तो इसमें प्रॉब्लम कहां है भाई? अब प्रॉब्लम इस बार थोड़ा उल्टा आया है। प्रॉब्लम ये आया है कि ठीक है, बेटा अगर पैसा ले ले बाप से, बाप का संपत्ति ले ले और बाप को डिजेक्ट कर दे, तो बेटा जेल में जाएगा। लेकिन अगर बाप बाप का फर्ज ना निभाए, जैसा कि इस केस में हुआ है, इस केस में हुआ यह है कि एक फादर अपनी फैमिली को छोड़ करके किसी और के साथ फैमिली बसाता है, दूसरी शादी करता है, बच्चों को डिजेक्ट कर देता है और फॉरेन चला जाता है। तो इस केस में क्या जो पेरेंट का, अब वो बाप जब बूढ़ा हो गया है, तो क्या उसको मेंटेनेंस का राइट है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इसे स्टडी करेंगे एक बार, फिर थोड़ा जो भी होगा हम अपना डिसीजन देंगे। एक सेक्शन है सीआरपीसी में 125 नंबर का, ये अगर आप अपने पेरेंट की देखभाल नहीं करते हैं तो आपको ये सेक्शन जेल तक की ले जाएगा, जेल की सहर करवाएगा। एक तीन जज के बेंच ने, जिसके जिसमें जिसे हेड कर रहे थे एनवी रमन्ना साहब, अभी उन्होंने आगे नोटिस तो दिया है उस फादर को अपीयर होने के लिए, और इन्होंने एक डेट रखा है कि इस डेट को हम इस बारे में सुनवाई करेंगे। इंटरेस्टिंग होगा ये जानना कि एक फादर को किस टाइप से ये ट्रीट करेंगे, किस तरह से ट्रीट करेंगे अगर फादर डिजेक्ट कर दे तो। आपको ईयर याद रखना है, 2007 में सीनियर सिटीजन एंड पेरेंट मेंटेनेंस एक्ट लाया गया था, जो सीआरपीसी के सेक्शन को अप्लाई करता है सन डॉटर ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर या किसी भी ऐसे पर्सन को सजा दिलवाने में जो उस पर्सन से, सीनियर सिटीजन से पैसा ले लेता है, उसका धन ले लेता है, वेल्थ ले लेता है, लेकिन केयर नहीं करता है उनकी। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। बीजिंग डिफेंस हांगकांग पोल्स एमिड रिकॉर्ड लो टर्नआउट। हांगकांग का इशू खूब सारा चल रहा है, लेकिन हांगकांग से ज्यादा आज चिले इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चिले में बरसों बाद कुछ ऐसा हुआ है, वहां पे एक लेफ्टिस्ट को प्रेसिडेंट बनाया गया है, नाम है उसका गैब्रियल बोरिक। गैब्रियल बोरिक चिले के प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के न्यूज आर्टिकल में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल में।